फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ की, जो आपकी यूपीएससी साइड है, उसकी वेबसाइट पे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, लगभग 2000 पद हैं इसमें। चलिए आइए इन्फॉर्मेशन पूरी देख लेते हैं, ले लेते हैं कि किसके लिए कौन से पद हैं। तो जब आप इसके साइट पे आएंगे, इस साइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगी, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब इसकी साइट पे आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इम्पोर्टेंट न्यूज एंड अलर्ट दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन क्रमांक कितने के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जी हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए जगह निकली है बहुत सारी। आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे एक, और यहाँ पे देख रहे हैं सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए यहाँ पे। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो इस तरफ साइड में देखिए, यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट दिया है। जब आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पीडीएफ फाइल आपके सामने खुलेगा। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, चलिए मेन मेन चीजें इससे ले लेते हैं और देख लेते हैं। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए जगह निकली हुई है। और अगर हम बात करें आपकी ऑनलाइन आवेदन की, तो और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 30/5 है, यानी 30 मई 2018 से स्टार्टिंग हो चुकी है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने यानी फीस जमा करने की बात करें कि कब से स्टार्ट होगा, तो 1/6/2018 यानी 1 जून से स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से। और फिर यानी आपको जो फीस जमा करनी है, वो जमा करने की जो तिथि है 1/6 से है, 1 जून से। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो है 25/6 यानी 25 जून। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो 27 जून है, और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29 जून है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं और पोस्ट भी अच्छे हैं आपके। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक जो है, एक जो सम्माननीय पद होता है वो यहाँ पे पद है। चलिए आइए देख लेते हैं और भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे देख लीजिए, दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल रिक्त जो पद हैं वो 1527 है, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1527 पद हैं। और उसी तरह से ग्राम विकास अधिकारी के लिए 362 पद हैं और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए कुल 64 पद हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा, यानी रिटर्न एग्जाम पहले लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, यानी आप जो अप्लीकेशन डालेंगे वो ऑनलाइन करना होगा आपको। सबसे बड़ी बात कि उक्त सभी रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट करना, यानी सिर्फ एक ही आवेदन आपको, एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, देख लेते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए जो है, तो देखिए यहाँ पे अनारक्षित यानी जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उनको जो फीस जमा करनी हो 160 रुपए है, और ऑनलाइन प्रक्रिया जो 25 रुपए चार्जेज लगेंगे, टोटल 185 रुपए है। इसी तरह से जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी 185 रुपए है। अनुसूचित जात के जो लोग हैं उनके लिए 95 रुपीज है, और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए भी 95 रुपीज है। विकलांग जो हैंडीकैप लोग जिस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ 25 रुपीज है, यानी ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क जो चार्जेज होते हैं सिर्फ वो उनको पे करने होंगे, उनके लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं किसके लिए कौन से कितने पद हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत जो अधिकारी है और वेतन बैंड और वेतन मान जो ग्रेड पे होता है वो आपके सामने है। एज जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 18 से 40, यानी कम से कम 18, ज्यादा ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अनारक्षित के लिए 841 पद है जो मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1500 की लगभग वैकेंसी है, 1527, उसमें से 841 जो पद हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए सामान्य के लिए हैं। और अनुसूचित जाति के लिए 296 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 370 है, टोटल 1527। इसी तरह से देख लेते हैं पदों की जो प्रकृति देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये स्थायी है, ये जो पोस्ट आपकी है स्थायी रेगुलर है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देख लेते हैं दूसरा, ग्राम विकास अधिकारी का देख लेते हैं। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में ये आपका ग्रेड पे दिया हुआ है जो 2000 है,
एज की अगर बात कर ली जाए तो वही है 18 से 40 है, और सामान्य में यानी अनारक्षित में 182 पद हैं, और जो आपका अनुसूचित जाति है 76 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 97 पद हैं। कुल टोटल 362 पद हैं, लेकिन पद की बात की जाए तो अस्थायी पद हैं ये, जो रेगुलर नहीं है। इसी तरह समाज कल्याण पर्यवेक्षक की बात कर लेते हैं, तो एज जो है 18 से 40 है, कॉमन है सभी के लिए। इसमें अनारक्षित के लिए पद जो है वो कम है, इसमें 33 है, अनुसूचित जाति के लिए 14, जनजाति के लिए कोई भी पद नहीं है, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 17 है। तो इस तरह से टोटल जो है 64 पद है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा मौका है आपके पास, यदि आपने 12th किया है, आपके पास 12th का क्वालिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। टोटल वैकेंसीज 1953 हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए सबसे पहली बात की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा है उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और दूसरा जो है NIELIT यानी पहले जिसे डोएक संस्था कहते थे उसके द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र कंप्यूटर का होना जरूरी है। इसी तरह से ग्राम विकास अधिकारी की बात कर लेते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा है उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और दूसरा है कंप्यूटर संचालन में CCC प्रमाण पत्र की अर्हता जो कंपल्सरी है आपके लिए। समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए वही है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष हुई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जो दूसरा है वो है कंप्यूटर संचालन में CC, यानी तीनों में कंप्यूटर की अनिवार्यता कर दी गई है। आपके पास यदि कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र है तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे 12th के साथ साथ में। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक रहेगा, साइट का भी रहेगा और PDF का भी रहेगा, तो आप वहां से भी जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा कि अप्लाई कैसे करना है, हम उसका भी वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।